हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का काजी शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल्फ असेसमेंट या फिर आप इसको सेल्फ इवेल्यूएशन भी बोल सकते हो हिंदी में इसको स्व आकलन कहा जाता है वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे सो so, सेल्फ असेसमेंट से स्टार्ट करते हैं कि सेल्फ असेसमेंट होता क्या है

खुद का मूल्यांकन करते हैं खुद का इवेल्युएशन करते हैं उसी को सेल्फ इवेल्यूएशन या सेल्फ असेसमेंट कहा जाता है एंड सेल्फ असेसमेंट टेक्निक कैन बी टू मेजर द कॉम्पिटेंस ऑफ कॉगनेटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन यानी कि सेल्फ असेसमेंट के थ्रू जो स्टूडेंट होते हैं वो अपनी कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर तीनों ही डोमेन का तीनों ही स्किल्स का असेसमेंट कर पाते हैं या फिर मूल्यांकन कर पाते हैं

जब स्टूडेंट अपना आंकलन करते हैं उनकी योग्यताओं के आधार पर किस लेवल तक, तक जो है स्टूडेंट अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है द असेसमेंट क्राइटेरिया दैट विल बी यूज्ड एक क्राइटेरिया आप पूरा सेट कर देते हो कि स्टूडेंट को किस क्राइटेरिया में रहकर खुद का असेसमेंट या खुद का इवैल्यूएशन करना है नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मुलेट असेसमेंट फॉर्मेट कैन बी स्कोरिंग गाइडलाइंस अ चेक मार्क लिस्ट और द असेसमेंट स्केल यानी कि जब आप स्टूडेंट को सेल्फ असेसमेंट के लिए बोलते हो तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मुलेट किया जाता है पहले से ही उसका एक फॉर्मेट सेट होता है जिसके अकॉर्डिंग आप स्टूडेंट को सेल्फ असेसमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन देते हो नेक्स्ट स्टूडेंट्स टू कंडक्ट सेल्फ असेसमेंट स्टूडेंट को उसके बाद आप सेल्फ असेसमेंट करने के लिए बोलते हैं यानी कि जो हमने टेक्निक्स डिस्कस करी फर्स्ट में क्या होगा फर्स्ट में आप स्टूडेंट की जो कॉम्पिटेंसीज है और जो कैपेबिलिटी है उनको डिसाइड करते हो उसके बाद आप एक क्राइटेरिया सेट करते हो जिसका यूज किया जाने वाला है सेल्फ असेसमेंट में देन एक प्रॉपर फॉर्मेट सेट किया जाता है चेकलिस्ट बनाई जाती है कि स्टूडेंट को किस स्किल के अकॉर्डिंग सेल्फ असेसमेंट करना है देन आप उनको सेल्फ असिमेंट करने के लिए बोलते हैं एंड लास्ट पॉइंट जो है वो है फीडबैक यानी जब स्टूडेंट सेल्फ असिमेंट करेंगे जो भी उनकी स्ट्रेंथ है वीकनेस है एज अ टीचर एज अ फैसिलिटेटर आपको क्या करना है उनको फीडबैक देना है यानी जो भी उनकी गलतियां हैं उनकी वीकनेस है उनकी स्ट्रेंथ है, है आप उनको लेकर उनको मोटिवेट करोगे या उनकी जो वीकनेस है आप उसको इम्प्रूव करोगे तो लास्ट में फीडबैक आप स्टूडेंट्स को देते हो मेरिट्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट के मैरिट्स या फिर आप इम्पोर्टेंट्स भी कह सकते हो कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं सेल्फ असेसमेंट करने के सो फर्स्ट पॉइंट है लर्नर्स अवेयर ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ सेल्फ

जब स्टूडेंट खुद का इवैल्यूएशन कर पाएगा खुद की स्ट्रेंथ खुद की वीकनेस का पता लगा पाएंगे तो जो इससे फ्रॉम लेवल्स एंड ग्रेड्स यानी जो फॉर्मेटिव हो 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 असिमेंट होता है यानी जब टीचर आपको पढ़ाते टाइम आपको टाइम दे दे कि आप खुद की इवेलशन कीजिए कितना आपने सीखा तो जो इससे है स्टूडेंट का एक तरह से आप बोल सकते हो मार्क्स के पीछे नहीं भागता स्टूडेंट अपनी स्ट्रेंथ देखता है कि कहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ है कहाँ मेरी वीकनेस है फिर आएगा इट हेल्प पीपल टू रिफ्लेक्ट एंड सेल्फ करेक्ट देखिए जो रिफ्लेक्शन होती है सेल्फ असिस्मेंट के थ्रू स्टूडेंट की वो बिल्डअप होती है रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि बच्चा चिंतन करता है थिंकिंग करता है कि कहाँ पर उसको इम्प्रूवमेंट करना है किस एरिया में या किस सब्जेक्ट में वो ज्यादा कर सकता है तो ये सारी चीजें बेनिफिशियल होती है सेल्फ असेसमेंट के थ्रू बच्चा अपने को करेक्ट भी कर पाता है और रिफ्लेक्शन भी कर पाता है यानी कि थिंकिंग कर पाता है नेक्स्ट पॉइंट है इट अनेबल्स इमिड फीडबैक सो दैट पीपल कैन स्टार्ट इम्प्रूविंग स्ट्रेट अवे यानी जो स्टूडेंट है अगर वो सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो उनको टाइम टू टाइम फीडबैक मिलता रहता है यानी कि प्रतिक्रिया मिलती रहती है जिसे स्टूडेंट्स को पता लग पाता है कि कहाँ पर उनको कितना अच्छा करना है या किस एरिया में उनको ज़्यादा करने की ज़रूरत है इससे उनकी इम्प्रूविंग होती रहती है जो भी उनके सब्जेक्ट या फिर वीक एरियाज हैं नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ असेसमेंट हेल्प्स प्यूपिल्स टू डेवलप हायर ऑर्डर इवेलिंग स्किल जब बच्चा सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ एवेल करता है इससे स्टूडेंट्स की जो हाइयर ऑर्डर स्किल्स है वो डेवलप हो पाती हैं कैसे होती है क्योंकि जब बच्चा खुद का इवेल्यशन करेगा तो वो थिंकिंग करता है रीजनिंग लगाता है अपनी कमियों को इम्प्रूव करता है जिससे जो स्टूडेंट्स है उनकी जो कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं जिनको हाइयर ऑर्डर स्किल्स कहा जाता है वो भी डेवलप होती हैं नेक्स्ट पॉइंट है हैव टू रिफ्लेक्ट पीपल्स क्योंकि जब बच्चा सेल्फ इवेलुएशन करता है तो वो खुद के लिए करता है तो so, वो ऑनेस्टली यानी चीज़ों को बड़ी ईमानदारी से करता है एंड सो इट बिल्ड्स इंटीग्रिटी जिससे बच्चे में इंटीग्रिटी का भी डेवलपमेंट हो पाता है नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ असमेंट इन इट सेल्फ प्रोवाइड अनदर लर्निंग अपॉर्चुनिटी जब बच्चा सेल्फ असमेंट या सेल्फ एवेलशन करता है तो बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चा लर्निंग करता है वो नई नई चीज़ें सीख पाता है खुद से इंडिपेंडेंटली लास्ट पॉइंट है

तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में